अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? आज का टॉपिक है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर हम जितनी मर्ज़ी डिबेट कर लें टॉपिक ख़त्म होने वाला नहीं है। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमारी यूथ के लिए, ठीक है। तो ये सवाल मुझे कोई पिछले 4 सालों में काफ़ी दफ़ा सुनने में है, सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी बड़ा होता हूँ सर। और एक्चुअल में क्या है, वो भाई साहब ना जॉब कर रहे होते हैं, ना ही कोई बिज़नेस चला रहे होते हैं, टोटली वेले होते हैं, ठीक है। लेकिन ख़ुद के लिए टाइम नहीं है, मतलब ख़ुद को मैं बात करता हूँ ना, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्लोर करो, करना आपने खुद ही है, ठीक है। ये मेरा एक जैसे कह लो सिंपल सा फंडा है भाई, कि भाई करना आपने खुद है। मैं आपको हर चीज़ शेयर कर दूँगा, सारी स्ट्रैटेजी शेयर कर दूँगा, हर चीज़ बता दूँगा, लेकिन जब बात आएगी इम्प्लीमेंटेशन की एंड एग्जीक्यूशन की, तो वो आपने ख़ुद करना है, उसके लिए मैं नहीं करूँगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है अभी तक कि 8 साढ़े 8 साल गुजारने के बाद डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में यही एक जैसे कहते हैं ना जो है परफेक्ट तरीका है सक्सेसफुल होने का, कि भाई करना आपने खुद है। और जब आप ये कहना छोड़ दोगे ना कि मेरे पास सर टाइम नहीं है, तो आप ने वो जो सक्सेस की तरफ आपका पहला कदम होता है ना, वो आपका ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा, ठीक है। वो आपका कदम ऑटोमेटिकली उठ पड़ेगा। तो हम उस पहले स्टेप को या उस पहले कदम को या पहले इनिशिएटिव को हम लेना नहीं चाहते, तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। ये मैं बात पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। हमारी एक प्यारी बहना है, हमारी एक कोलीग है, हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हैं, SEO कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं, फेसबुक पे मेरे पास ऐड हैं, इनकी मैं एक पोस्ट देख रहा था आज सुबह और मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। देखो इंसान को ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। मैं 3 दफ़ा समझाता हूँ, ठीक है, 4थी दफ़ा मैं कहता हूँ भाई मैं पीछे हट गया हूँ, अब आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है, आपकी स्ट्रैटेजीज हैं, आपके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। मेरा तरीकाकार ये है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मेरी इस लीनियंसी का ना आप लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। मतलब मेजॉरिटी जो लोग हैं वो शायद मुझे कहते हैं जी कि उमर भाई, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूछते हैं, ठीक है, कि सर तरीका बता दें। मैं कहता हूँ भाई मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे प्लेलिस्ट बनाई है, फ्री में स्ट्रैटेजी शेयर की हैं और ये मैंने रिजल्ट्स भी शेयर किए हैं, उसको जाके एक दफ़ा देख लो, उसको इंप्लीमेंट करो, आपको सब कुछ आ जाएगा। आगे से पता क्या कहा जाता है, सर टाइम नहीं मेरे पास। या कुछ जीनियस जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आते हैं मेरे पास, सर आप असल में अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए हमें कह रहे हैं, यहाँ तो आप बता दें आप आराम से, यहाँ पे आप क्यों कह रहे हैं हम आपकी वीडियो देखें। तो फिर मैं सच में कहता हूँ भाई आपको 2100 तोहफों की सलामी है। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो जो है फिजा ताहिर ने भी डिस्कस किया है, और मुझे जिसे कहते हैं मैं हमेशा इसी बात पे फोकस करता हूँ कि भाई आप लोग खुद से इनिशिएटिव लेने से डरते क्यों? मतलब ऐसे कौन से आप लोगों की मिलें चल रही हैं पीछे, कैसे कौन सी आपकी जायदादें हैं, कौन सी ऐसी आपके बिजनेसेस चल रहे हैं भाई कि आपके पास टाइम नहीं है, है? ये कभी ज़रा सोचा आपने? एनीवेज तो इन्होंने लिखा, मैसेजेस आई एम रिसीविंग, प्लीज़ हेल्प मी ऑप्टिमाइजिंग माई लिंक्डइन, ये थोड़ा सा या थोड़ा सा कॉन्टेंट बता दें कैसे लिखना है, बाकी मैं लिख लूँगा। चलो जी गुड हो गया। ये एक क्यूरी आई उनको कि भाई लिंक्डइन फाइल ऑप्टिमाइज करने में मेरी मदद करें या कंटेंट बता दें कैसे लिखना, बाकी मैं खुद लिख लूँगा। उन्होंने जो रिप्लाई किया बिल्कुल ठीक रिप्लाई किया, मैं भी तो यही आप लोगों से कहता हूँ, हेज आओ यू कैन वॉच दिस वीडियो टू सेटअप एंड ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। उन्होंने सही बात कही कि भाई मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना है और किस तरह उसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल से उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं भी आप लोगों से यही कहता हूँ ना। लेकिन आगे जो मुझे आप लोगों के जवाब आते हैं और जो सेम जवाब मिस फिज़ा को आया, मैं वो भी ज़रा पढ़ के सुनाना चाहूँगा। उनका मैसेज है, नहीं आप वैसे बता दें मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। ये जो आपका एक की फ्रेज़ आपने बना दिया ना, मीडियम मिड टेल की फ्रेज़, ठीक है, टाइम नहीं है मेरे पास, यार इस चीज़ से मैं लिटरली बड़ा तंग हूँ। इनफैक्ट मैं बड़ा परेशान हूँ कि आप लोग कौन से ऐसी प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हो, हैं। और ये जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल वेले होते हैं, मतलब जिनके पास यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करने के लिए इतना टाइम है, इतना टाइम है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन ख़ुद के कुछ सीखने के लिए, ख़ुद को इम्प्रोवाइज करने के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, ठीक है। और अगले बंदे की बेचारे की सारी मेहनत जो है ना वो आप कहते हो, वो अगला सिर्फ ना व्यूज़ के चक्कर में है, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। अच्छा तो अच्छा मिस फिज़ा क्या लिखती हैं, आपके पास टाइम नहीं तो क्या मेरे पास टाइम है बताने के लिए? इसको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ठीक है। और ये बिल्कुल सही बात की है,
मैं सच्ची में मतलब 4 साल बाद मैं भी शायद मुझे लगता है इसी नतीजे पे पहुँचूँ कि मैं जब आप लोगों को कहता हूँ ना कि यार ये देखो मैंने ये तरीका बताया, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ यार प्लेलिस्ट में देख लो, आगे से पता क्या सवाल मिलता है, प्लेलिस्ट कहाँ है सर, मैंने तो बहुत ढूंढी मुझे प्लेलिस्ट नहीं मिली। फिर मैं कहता हूँ यार अभी मैं कहूँ ना कि कुछ भी मैं कहूँगा यार ये जरा मतलब आपके इंटरेस्ट की कोई वीडियो जाके सर्च करो, आप दस्ती ढूंढोगे जाके उसको, ठीक है। जब मैं कहूँ यार कुछ सीखने के लिए देख लो, तो आपको अगर 10 वीडियोस मौजूद हैं एक प्लेलिस्ट में तो आपको वो एक वीडियो नज़र ही नहीं आएगी, मेरे ख्याल से आपकी आंखों में आके पर्दा आ जाएगा, ठीक है। तो फिज़ा ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि भाई आपके पास अगर टाइम नहीं है वीडियो देख के अपने आप को इम्प्रूव करने का, तो जिसने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, जो रिजल्ट्स लेके आ रही है, जो आपसे शेयर करी है, उसको आप लोगों को समझा बिल्कुल वेला बैठा हो या वेली बैठी हुई है, तो इस सोच को बदलिए। देखें हम आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, और अगर आप नहीं सीखना चाहते तो भाई आगे आपकी मर्ज़ी है। खैर इनको तो इन्होंने तो ये कहा है ना कि वीडियो देखने का टाइम नहीं, मुझे तो ऐसे जॉब भी आते हैं, सर आप चाहते हैं हम आपकी वीडियोस पे व्यूज़ लेके आए, इसलिए आप चाह रहे हैं ना, आप बताना नहीं चाहते, आप चाह रहे हैं व्यूज़ की बात कर रहे हैं। भाई कितने के मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों व्यूज़ मिल जाएंगे आपके व्यूज़ से, और कितने पैसे कमा लूँगा, लाखों अरबों कमा लूँगा। थोड़ा सा यार सोचा करो यार, अगर एक बंदा पिछले 4 साल से 2000+ वीडियोस बना चुके आप लोगों के लिए है, आज तक उसने किसी वीडियो में, आज तक मैंने किसी वीडियो में कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या लाइक करो, हैं, मैंने नहीं कहा ना, क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, जो सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट खुद करो, बस सीधा सा मेरा फंडा है। खैर आगे लिखती हैं, आई ओनली ऑफर सपोर्ट टू माई स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, रिस्क कैन बेनिफिट फ्रॉम YouTube वीडियोस, और बिल्कुल ठीक बात है, जब वो वीडियोस बना रही हैं, वो शेयर कर रही हैं, तो आपके फ़ायदे के लिए कर रही हैं ना। अब आपके पास इतनी भी जिसे कहते हैं आप जहमत नहीं कर सकते कि भाई अपने कंफर्ट जोन से निकलो बाहर, ज़रा बेड से उठो बाहर, ज़रा पाँव में जूते पहनो, ज़रा सेलफोन को पकड़ो और हैंड फ्री लगाओ और ज़रा देख लो क्या वीडियोज़, इफ़ यू कैंट अफोर्ड माई कोर्स। देखो उन्होंने तो तरीके बताए, अगर आप उनका कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई जाकर डिजिटल मार्केटिंग का जो उन्होंने वीडियोज़ बनाई उसको देख लो, माई टाइम इज़ माई वैल्यू, और आई 100% एग्री ऑन दिस, मैं 100% इस बात पे इनको सपोर्ट करता हूँ, ये बात ठीक है, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं अपना टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ। मेरा रिकॉर्ड है कि मुझे व्हाट्सएप पे कोई क्यूरी आती है, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आती है, अननोन नंबर से मुझे कॉल आती है, कोई कमेंट आप लोग करते हो, कुछ भी मैसेंजर पे भेजते हो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, मैं 5-10 मिनट में आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी जब आप लोग ऐसे बेवकूफाना सवाल पूछते हो ना मुझसे, तो लिटरली मुझे भी परेशानी होती है यार, मतलब किधर से ऐसे सवाल लाते हो, हैं, मतलब ऐसे सवाल आप लोगों के दिमाग में आते कहाँ से हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, देखो आप लोगों को हम कहें ना वीडियो मूवी देख लो यार, कोई इंडियन मूवी आप लोग दस्ती ढूंढोगे उसको, लेकिन आपको ये कहा जाए ना कि जाके प्लेलिस्ट में जिसमें 10 वीडियोस मौजूद हैं उसमें से जाके एक वीडियो देख लो, तो आप कहोगे सर हमें नज़र ही नहीं आ रही, हमें मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ घूम गई है। तो यार सोचो जिसने बनाई है उसको नहीं पता कि कहाँ पड़ी है वीडियो, है बस इतना ही कहूँगा भाई, ये जो आप लोग बहाना करते हो ना, मेरे पास टाइम नहीं है, हैं सर मेरे पास टाइम नहीं, बिज़ी बड़ा हूँ मैं, तो भाई हमारा कुछ भी नहीं जाना, ठीक है। 8.5 साल मुझे हो गए जॉब करते हुए, अभी 8.5 साल गुजर गए, आगे 10 साल गुजर जाएंगे, फिर 20 साल गुजर जाएंगे, फिर 30 साल 40 साल गुजर जाएंगे, तो मेरा काम है उनको आपसे शेयर करना, मिस फिज़ा का भी काम है वो चीज़ें आपसे शेयर करना, अब उसको इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, ठीक है। वीडियोस हम किस लिए बनाते हैं, देखने के लिए, ऐसे ही है ना, वीडियो का पर्पज़ क्या होता है, देखने के लिए ना, तो उसको देखोगे, उसको समझोगे, दिमाग की जिसे कहते हैं बत्ती चलेगी, दिमाग का ढक्कन खुलेगा, तो उसके बाद वो दिमाग में चीज़ें जाएंगी, जैसे ही जाएंगी तो उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, मुझे या मिस फिज़ा को फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा एक बात और, अभी कुछ ऐसे भी हमारे जीनियसेस हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा, उमर भाई जो है मिस फिज़ा की पोस्ट को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, उनके साथ की पार्टनरशिप है, ये है वो है, भाई दिमाग में से प्लीज़ इस फतूर को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दीजिए, ना मेरी किसी के साथ पार्टनरशिप है, ठीक है। इनफैक्ट मैं इनको सिर्फ इस लिहाज से जानता हूँ कि इनका एक यूट्यूब चैनल है, और वंस अपॉन अ टाइम इन्होंने एक लैपटॉप की पिक्चर लगाई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इनसे पूछा था कौन सा मॉडल, उन्होंने मुझे बताया था, ठीक है। उसके बाद से फिर इनका यूट्यूब चैनल है, मैं वहाँ पे देखता हूँ वीडियोस वगैरह आ रही होती है, अच्छा कंटेंट शेयर कर रही थी, ट्विटर पे माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है, ठीक है, तो मैं वो सारी चीज़ें देख रहा था, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, और वो जो कर रही हैं वो जो रिजल्ट लेके आ रही हैं वो फ्री में आपसे भी शेयर कर रही हैं, ठीक है। तो इस हद तक मैं इनको जानता हूँ, तो खुदा का वास्ता बिला वजह लिंकेजेस मत बना दिया करें, क्योंकि हमारी आवाम जो है ना लिंक बनाने में माशाल्लाह बड़ी जैसे कहते हैं ना मसरूफ़ हो जाती है, तब आपको इस टाइम टाइम होता है,
ठीक है। तो मैंने ये सुबह एक पोस्ट देखी और बिल्कुल सेम सिनेरियो मुझे मेरे वाला नज़र आया, तो मैंने कहा यार इसको शेयर करते हैं, ठीक है, समझ आ गया पॉइंट। तो टाइम नहीं है मेरे पास वाला बहाना नहीं चलेगा। अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है ना, सीधी सी बात है, तो ये बहाना नहीं चलेगा। और अगर SEO, अगर कंटेंट SEO सही में, ये ऑफ पेज SEO, बैक लिंक्स, वेब 2.0, 3.0, बैक लिंक्स, उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग, ये वो चीज़ें नहीं, इसके लिए मैं मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। अगर कंटेंट SEO सीखना है सही में, ऑन पेज SEO सीखना है ना, तो फिर तो ये बहाना हरगिज़ नहीं चलेगा कि टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 628 स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन करने के लिए 5 साल निकाल सकता हूँ, हैं, तो आपको भी निकालना पड़ेगा। एंड बाय द वे, मिस फिजा ताहिर, माशाल्लाह यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, अल्लाह ताला आपको उसका अजर अता करे। मैं आपके ट्विटर के ट्वीट्स बहुत, जैसे कहते हैं, क्लोजली वॉच कर रहा होता हूँ, और माशाल्लाह आप काफ़ी अच्छी चीज़ें शेयर करते हो, अल्लाह ताला आपको उसका अजर अता करे। माशाल्लाह आपका यूट्यूब चैनल भी माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। मैं आपके फेसबुक फीड पर भी जो कॉमेंट्स हैं उनको भी गो थ्रू कर रहा होता हूँ। माशाल्लाह यू आर डूइंग ए सुपर्ब जॉब, ठीक है। तो कीप इट अप, अल्लाह ताला आपको उसका अजर अता फरमाए। और जो हमारे प्यारी यूथ है, हमारे प्यारे बच्चे हैं, प्लीज़ यार ये बहाना बंद कर दो कि मेरे पास जो है टाइम नहीं है, ठीक है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।